यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ग्रह धरती से चांद, सूर्य या और ग्रह कैसे दिखाई देते हैं, लेकिन और ग्रहों से हमारी धरती कैसी दिखाई देती है इसके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं जानते। बहुत कम खुश नसीब लोगों को स्पेस या चांद से धरती को देखने का मौका मिला है और अब तक ऐसे खुश नसीब महज 397 हैं। वैसे इंसान तो अभी तक चांद तक ही जा पाया है और केवल चांद से ही ये देख पाया है कि हमारी धरती कैसी दिखाई देती है। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि इंसान इस स्पेस में मैक्सिमम कितनी दूरी तक जा पाया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। इंसान तो ज्यादा दूर नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्पेस क्राफ्ट हैं जो हमें ये देखने का मौका देते हैं कि दूसरे ग्रह या स्पेस से हमारी धरती कैसी दिखाई देती है। वो समय समय पर हमें ऐसी तस्वीरें भेजते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सौरमंडल के दूसरे ग्रहों या दूसरी जगहों से हमारी धरती कैसी दिखाई देती है। तो चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं ISS से। ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी धरती की सरफेस से 240 मील की ऊंचाई पर है और ये स्पेस स्टेशन 17,000 मील पर आवर की स्पीड से चल रहा है। 2000 से अब तक 200 से ज्यादा लोग इस पर जा चुके हैं। ये स्पेस स्टेशन 24 घंटे में धरती के 16 बार चक्कर लगाता है। ये ज्यादा ऊंचाई पर न होने की वजह से पूरी धरती को एक साथ तो कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी ये हमें उतनी ऊंचाई से धरती कैसी दिखाई देती है इसके बारे में कई इमेज भेज चुका है और अब भी भेज रहा है। ये जो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये वही फोटोज या वीडियो हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भेजे गए हैं। मून हमसे 384,000 किलोमीटर दूर है और अब तक मून पर 12 लोग जा चुके हैं। हम मून पर बहुत सारे स्पेस मिशन कर चुके हैं, इस कारण हमारे पास धरती की बहुत सारी इमेज हैं। लेकिन इन सब में सबसे फेमस इमेज 1972 में अपोलो 17 ने ली थी। ये जो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये इमेज उस समय ली गई थी जब नासा का अपोलो मिशन मून के डार्क साइड के लिए लॉन्च किया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारी इमेज हैं जो चांद से ली गई हैं। मरकरी यानी बुध ग्रह हमसे 5,80,00,000 किलोमीटर दूर है। इंसान अभी तक वहां जा तो नहीं पाया है, पर इंसान का बनाया पार्कर सोलर प्रोब वहां पहुंच चुका है। वैसे मरकरी की सरफेस तक तो वो प्रोब भी नहीं पहुंच पाया था। अब जो आप इमेज देख रहे हो वो मरकरी की ऑर्बिट से ली गई है। ये छोटा सा सफेद धब्बा हमारी धरती है और इसके बिल्कुल पास एक और छोटा सा धब्बा है, वो हमारा मून है। मंगल ग्रह इंसानों के लिए कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट बना हुआ है, और हो भी क्यों ना। अगर धरती को छोड़कर इस सौर मंडल में जीवन की थोड़ी बहुत भी कहीं गुंजाइश है तो वो मंगल पर है। हम 1960 से मंगल के लिए प्रोब भेज रहे हैं। मंगल हमसे 5,46,00,000 किलोमीटर दूर है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये फोटो मंगल ग्रह के ऑर्बिट से 2003 में ली गई थी। उस समय इंसान मंगल की सरफेस तक तो नहीं पहुंच पाया था, इस कारण हमें ये फोटो ही मिल पाई थी। लेकिन 2004 में नासा के स्प्रिट रोवर ने पहली बार हमें एक ऐसी फोटो भेजी थी जिससे हमें ये पता लगा कि दूसरे ग्रह की सरफेस से हमारी धरती कैसी दिखाई देती है। ये जो आपको सफेद डॉट दिखाई दे रहा है ये हमारी धरती है। अगर हम मंगल ग्रह पर जाकर रहने लगेंगे तो वहां से हमारी धरती कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब बात करते हैं इस सौर मंडल के सबसे अनोखे ग्रह शनि के बारे में। अब तक महज 4 स्पेसक्राफ्ट ही शनि ग्रह तक जा पाए हैं, लेकिन इनमें सबसे सफल मिशन कसिनी मिशन था जो 2017 में शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में चला गया था। लेकिन इससे पहले 2013 में कसिनी ने हमें एक इमेज भेजी थी। ये इमेज धरती से 89 करोड़ माइल्स दूर से ली गई थी जिसमें शनि ग्रह की रिंग भी दिखाई गई है। अब जो आप इमेज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये वही इमेज है जो कसिनी ने 2013 में भेजी थी। ये जो शनि ग्रह की रिंग के नीचे छोटा सा ब्लू डॉट दिखाई दे रहा है ये हमारी धरती है।
नासा ने जो पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था वो सूर्य के एटमॉस्फेयर में चक्कर लगा रहा है। इस प्रोब को सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उस प्रोब ने पिछले साल 8 दिसंबर को धरती की एक इमेज भेजी थी। ये इमेज जो आप अभी देख रहे हो ये उस सोलर प्रोब से ली गई है। ये छोटा सा व्हाइट डॉट हमारी धरती है, सबसे ज्यादा दूरी से ली गई इमेज। अब तक धरती की सबसे ज्यादा दूरी से ली गई इमेज वॉयजर 1 ने ली थी। अब वॉयजर 1 हमसे 18.8 अरब किलोमीटर दूर है, लेकिन इतनी दूरी से धरती दिखाई नहीं देती। वॉयजर 1 अब सौर मंडल से बाहर जा चुका है और उसके कैमरे को बंद कर दिया गया है। लेकिन कैमरे को बंद करने से पहले धरती की एक इमेज ली गई थी जो अब तक धरती की सबसे ज्यादा दूरी से ली गई इमेज है। ये इमेज जो आप अपनी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो ये 3.75 अरब माइल्स दूर से ली गई है। ये जो आपको छोटा सा व्हाइट डॉट दिखाई दे रहा है वो हमारी धरती है। वॉयजर 1 की शुरू से लेकर अब तक पूरी कहानी पर जल्द ही वीडियो आएगा, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।